मैं हूं राजेश पांडे, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के दरौली प्रखंड के अंतर्गत एक पुनः गांव में है। यहां पर एक बाल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और यहां प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस बार के जो ये समारोह आयोजित हुआ है, इसका सबसे बड़ा विशेषता ये है कि सीतामढ़ी जिले के सुनवर्षा प्रखंड जो है, वहां से चल के एक मैडम यहाँ आई हुई है जिनका नाम रितु जायसवाल जी है। आप एक बड़ी सशक्त मुखिया हैं और जो हम लोग के संविधान में जो थर्ड लेयर की बात की जाती है उस लेयर पे आप हैं, और आइए हम उनसे जानते हैं कि ये काम करना कितना कठिन है। मैडम, सबसे पहले ये बताइए कि ये मुखिया स्तर पर काम करना कितना कठिन है। नहीं, काम अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आजकल हर वो व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो डेफिनेटली मुश्किलें हैं, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं और कैसे आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैडम, ऐसा माना जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा लोग है, वो गांव छोड़ के शहर को जा रहा है, तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को काफी मतलब मुश्किल होता है समझाने गाँव वाले लोगों को। तो वहाँ पे मतलब हाई लेवल का करप्शन है, हाई लेवल का मैनिपुलेशन है, फिर ऐसे में काम करना मैं अगर आपने करप्शन की बात की तो मैं बता दूं कि आज जीरो से लेकर के यानी ब्लॉक से स्टार्ट करके कलेक्टरेट तक आती है, उससे भी अगर आप आगे जा सकते हो तो करप्शन तो हर जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आज़ादी हम लोगों ने जीती गोरे अंग्रेजों से, अभी दूसरी आज़ादी हम लोगों को जीतनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वह है काले अंग्रेजों से जो कि ब्यूरोक्रेट्स के रूप में यहाँ पर है, बाबुओं के रूप में, जो कि दलालों की भूमिका में जाते हैं। मैं सभी अधिकारी की बात नहीं कर रही हूँ, सभी जगह पे ईमानदार भी है और बेईमान भी, लेकिन बेईमानों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। और वो जो दूसरी लड़ाई है ना, जब तक भ्रष्टाचार की लड़ाई, वहाँ पे हम लोग नहीं जीतेंगे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि आपका सिवान या हमारा सीतामढ़ी या हमारा बिहार या हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैडम, ऐसा लगता है कि जो गांव है, गांव में विकास करना बहुत दूर की कौड़ी है और जो शहर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शहर का सीना लगातार चौड़ा होता जा रहा है, गांव सिकुड़ता जा रहा है, ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये विकास गांव में खोखला नारा है? नहीं, अभी भी 72% लोग हमारे गांव में ही रहते हैं, पूरी आबादी का 72% गांव में है। और गांव को बेहतर करने के लिए एक्चुअली हमें गांव को शहर नहीं बनाना है, गांव को अगर शहर बना दिए वो डेवलपमेंट नहीं है, कंक्रीट के अगर बिल्डिंग्स बन गए वो डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट वो है कि जब गांव के युवाओं को गांव में ही रोजगार मिले और उसको माइग्रेट करके बाहर नहीं जाना पड़े, वो डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। आज जिस तरह से युवा गाँव से माइग्रेट कर रहे हैं, लेबर बन के बाहर की तरफ जा रहे हैं, आखिर हम अपने गाँव को सेल्फ सस्टेनेबल क्यों नहीं बना पा रहे हैं, इसकी जरूरत है। और हमें नहीं लगता कि जहाँ कोशिश की जाए वहाँ पे हमें सफलता नहीं मिलेगी, और ये सोच के कि सफलता मिलेगी नहीं हम बैठ जाए, ये भी सही नहीं है। अच्छा मैडम, एक व्यक्तिगत सवाल, इस क्षेत्र में क्यों आए और कैसे आए? मुझे सीरियसली मुखिया तो नहीं बनना था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मुखिया होता क्या है, उसका काम क्या है। मैं गांव घूमने गई थी, मुझे गांव देखने की इच्छा थी और गांव देखने की इच्छा लेकर के मैं गई थी, और मुझे पता था कि गांधी जी का ये कहना था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो मुझे लगा कि देश की, जब मैं उस गांव में पहुंची, जो आज का गांव है और जितनी कमियों के साथ, जो हर मुश्किलों के साथ गांव हर रोज सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, किसानों के जो हालात है, प्रारंभिक जो शिक्षक स्कूल में जो स्कूल्स है वहाँ जो हालात है, अस्पताल के जो हालात है, वो इतनी दयनीय कंडीशन में है कि सब कुछ, बिल्डिंग्स तो दे दिया गया मगर उसके अलावा सारी चीज़ें हटा दी गई, वो सबकी सारी की सारी व्यवस्थाएं जो थी वो भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ गई। बिल्डिंग इसलिए बन गई क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार का स्कोप था, स्कूल बनेगा कमीशन मिलेगा, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी कमीशन मिलेगा, डॉक्टर्स आएंगे या कितनी नियुक्ति होगी उस पर भी हमें सरकार को काम करने की जरूरत थी, वो कमी रही हमें लगता है। इसलिए आप मुझे लगा कि अगर मेरी कोशिश करने से अगर मैं बदल सकती हूँ, दोष दे देना आसान है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मगर उस चीज को बदलने के लिए आपने कितनी कोशिश की, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने कोशिश की, मैंने दिल्ली के अपने लाइफ स्टाइल को छोड़ा, मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बोला आप रहो दिल्ली में, मैं जाती हूँ, और वो चैलेंज मैंने लिया। क्योंकि बदलने के लिए सिर्फ दोषारोपण जरूरी नहीं है, आपको पहले कहना पड़ेगा कि आपने किया है। बिल्कुल।
मैडम आप जब काम करने आई, आप जब मुखिया, तो आपके लिए पहला माइलस्टोन क्या था, मतलब आपको कहाँ सफलता मिली और क्या कैसे लगा कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? मेरा जो पंचायत एक्चुअली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, आपके यहाँ पे आई हूँ तो बहुत डेवलप है। मेरा पंचायत 2016 में पगडंडियों पे था, 3 किलोमीटर पैदल चल के मैं गाँव में पहुँच सकती थी और पानी की व्यवस्था नहीं थी पीने की, यानी कि हर अगर बेसिक अधिकार की बात करें ना, जीने के अधिकार में भी जो चीज़ें आती हैं, पूरे पंचायत में कहीं बिजली का एक बल्ब तक नहीं था। आप समझ सकते हैं, मैं 2016 की बात कर रही हूँ कि 15,000 का जनसंख्या है, एक भी बिजली का बल्ब नहीं है। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ता हो, वहाँ पे आप विकास की बात क्या सोचेंगे, आप थक कितना जाएंगे कि आप, बहुत दिक्कतें थी। तो स्कूलों का वही हाल था, काम कुछ भी नहीं था, अगर खेती थी तो ज़्यादातर या तो सूखा के उस पर चढ़ जाता था या तो बाढ़ के बेड चढ़ जाता था, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। और मैं दिल्ली में बैठ कर कल्पना करती थी भारत की, कि यह हमारा इंडिया है, तो दिल्ली में इंडिया तो हो सकता है लेकिन भारत एक्चुअली गांव नहीं है, जिसको कि आज सच में एकजुट होकर के बदलने की ज़रूरत है। मैडम आपकी तरह अगर महिलाएं और बहनें अगर बाहर निकलें और अपने गांव को, पंचायत को संभालें तो बहुत बड़ा कायाकल्प हो सकता है उनके लिए। आप ऐसी महिलाएं बहनें जो काम करना चाहती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अभी अगर आप कहें तो 50% आरक्षण जो है वो दे दिया गया है पंचायती राज में महिलाओं को पद के लिए। 50% आरक्षण के बावजूद भी कुछ महिलाएं हैं जो जिनको मौका मिला है वो आगे आकर के काम कर रही हैं। अभी भी स्थिति यही है कि मुखिया पति काम करता है, वार्ड पति काम करता है, सरपंच पति या समिति पति काम करता है, विधायक पति भी काम करने लगे हैं, MP पति भी काम कर रहे हैं। तो ये पपेट नहीं बनना है महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं ऐसा नहीं कि जहां मौका मिला वहां उन्होंने प्रूफ नहीं किया है खुद को। तो रेदर देन कि हम किसी पपेट बन जाए, वहां पर हमें जो हक हमें मिला है वो बताना होगा अपने पति को या ससुर को या देवर को या भाई को कि ये मेरे लिए और मुझे करना है। अगर आप घर संभाल सकते हैं, बच्चों को बना सकते हैं, तो आप अपनी जगह को भी बना सकते हैं और बदल सकते हैं। आपने देखा कि ऋतु जी ने कितना विस्तार से बताया और ये एक नारी सशक्तिकरण और ये अपने बिहार को, अपने पंचायत को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ऋतु जी का ये प्रयास। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरे बिहार में अगर इसी तरह की बहनें और महिलाएं बाहर निकल के आएं तो हमारे पंचायत और गांव का कायाकल्प हो सकता है। मैडम आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए तो आज ही संपर्क करें।